मैं जब से आशा दीदी बनी हूँ, गांव वालों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं मेरे लिए। उन्होंने दिल खोल के अपनाया है मुझे। और मैंने भी अपना दिल खोल कर अपनाया है तुम्हें। तुम तो मेरे खास साथी हो और हमेशा रहोगे। स्नेहा जी, आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं मैं। जी बिल्कुल, बोलिए। आप तो जानती हैं कि सरपंच के चुनाव होने वाले हैं और इस बार ये सीट महिला के लिए रिजर्व कर दी गई है। जी जानती हूँ। विनोदनी खड़ी हो रही है चुनाव में, समीर की माँ। हाँ, मैं मिल चुकी हूँ उनसे। तो आप ये भी जानती होंगी कि उसके ऊपर बाबा पहलवान का हाथ है। हम जानते हैं कि दोनों के इरादे नेक नहीं है। सरपंच जी, ये तो बेवजह शक करने वाली बात हुई। बेवजह नहीं, अभी से गांव में कानाफूसी शुरू हो गई है उनकी झूठी अफवाहों से। पर हमारे गांव के लोग इतनी आसानी से बहकने वाले नहीं है। मामला पेचीदा है स्नेहा जी। गांव के कई लोग विनोदनी के कर्जदार हैं और बाबा पहलवान की जड़ी बूटी को मानने वाले भी बहुत लोग हैं। सरपंच जी, आप कहना क्या चाहते हैं? विनोदनी के सामने कोई तगड़ा कैंडिडेट खड़ा नहीं किया तो वो चुनाव लूट लेंगे और बाद में पूरे गांव को भी। आप पन्ना को चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं? नहीं नहीं, पन्ना तो अभी अभी आशा बनी है, बच्ची है हमारी वो। आप जानती हैं उन्होंने मेरे खिलाफ भी घटिया प्रचार करना शुरू कर दिया है। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपके खिलाफ क्यों? आप तो चुनाव नहीं लड़ रहे। उन्हें डर है कि चुनाव में मैं अपनी पत्नी को खड़ा कर रहा हूं। उन्होंने तो आपको भी नहीं छोड़ा है। मेरी बुराई करके उन्हें क्या मिलेगा? मुझे तो इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्नेहा जी, आप ही कहती है ना कि इस गांव में अभी भी बहुत काम होना बाकी है। जी हाँ, ये सच है। पर ये भी सच है कि ये गांव एक आदर्श गांव बन सकता है। अगर विनोदनी सरपंच बन गई तो कतई नहीं होगा। आप शायद इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। आपके आने के बाद गांव में एक नई लहर आई है। आपने लोगों की आदतें बदली है, उन्हें जिम्मेदार बनाया है, गांव को महामारी से निकाला है। गरीबों, खास करके महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की आपने। घर घर में पहुंची हैं आप। आपके काम की एक लंबी लिस्ट है। मैं कहां रुकने वाली हूं, मेरा काम तो बढ़ता ही रहेगा। आखिर विनोदनी सरपंच बन गई तो बाबा पहलवान सबसे पहले आप पर वार करेगा। सरपंच जी, ऐसी कोई तो महिला होगी जो उससे टक्कर ले सके। वो महिला मेरे सामने बैठी है। मैं नहीं सरपंच जी, मैं एक डॉक्टर हूं। राजनीति से मेरा क्या लेना देना? मैं आप पर कोई दबाव डालने नहीं आया हूं, सिर्फ इस बात को गंभीरता से सोचने के लिए विनती करने आया हूं। किसी भी चीज का निर्माण करने में, उसे बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत और ईमानदारी लगती है, परंतु उसे बर्बाद एक चुटकी में किया जा सकता है। सरपंच जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, आपकी परेशानी भी समझती हूं, पर मुझसे ये नहीं होगा। स्नेहा जी, आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा। जिन पर आप भरोसा करती हैं उनसे सलाह मशवरा करें और कोई भी फैसला करने से पहले उन चेहरों को जरूर याद करें जिनकी आंखों से आपने आंसू पोंछे हैं। मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। ठीक है मोडक साहब, हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार। बहुत खूब दिगंबर, आज तुमने पहली बार अक्लमंदी वाली बात की। अच्छा तुम मुझे बताओ कि बाबा पहलवान के खिलाफ क्या क्या सबूत तुम्हारे पास है और उनमें से कौन कौन से अभी तुम्हारे पास है? अरे सबूत तो मैं ला ही दूंगा, खासकर दो बातों की। और पहली बात, वो मैली विद्या का प्रयोग करके
कईयों को बर्बाद कर चुका है। मतलब हानिकारक जादू टोना। किस कानून में लिखा है कि तांत्रिक क्रियाएं गैर कानूनी अपराध है? एक चीज बताइए, बाबा पहलवान का जुर्म तो सिद्ध होता है ना इससे? ये भी बकवास सिद्ध होती है तुम्हारी। तुम सिर्फ मेरा समय खराब कर रहे हो दिगंबर। और देखो मेरा हो गया है लंच का टाइम, तुम्हें अच्छी तरीके से पता ना काली पुलाव हम नहीं खाते, पता है कि नहीं पता? सिंह जी सर। अरे क्या कर रहे हैं साहब, को ले जाओ सरकारी खाना खिलाओ। अरे आप मेरी बात एक बार मान के तो देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। तुम्हारी बात माने बेवकूफ है क्या? अरे आप चलो, आपने नहीं कहा था ना मुझे, आपने कहा था ना? आता सबूत हो तब आना। चल अरे वाह। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। हमारी आज की चुलबुली खुश मिजाज मेहमान है उइमा। सुइमा ये क्या हो गया? उइमा सुइमा मालती उर्फ डिम्पा रानी, स्वागतम। बुआ जी, मुन्ना जी और सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी यानी डिम्पा रानी की तरफ प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहले डिम्पा रानी ये बताइए, आपका नाम ये डिम्पा रानी कैसे पड़ा? जी आपने पन्ना के मस्त पिटारों में इसके बारे में जरूर सुना होगा। मैं अंतरा यानी डिम्पा का प्रचार करती हूँ, गर्भ निरोधक का सरल और सुरक्षित उपाय। 3 महीने में एक बार लगवाओ और मस्त हो जाओ। वाह क्या बात है, 5 मिनट का काम 3 महीने का आराम। डिम्पा रानी जी इसके बारे में कुछ और बताइए। जी जरूर, सुई लगवाने से पहले हर महिला की अच्छी तरह से जांच होती है, और इस जांच का ये फायदा है कि इससे पता चलता है कि अगर महिला गर्भवती हो या उसमें ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण दिखाई दे तो वो पहचाने जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। थोड़ा सा और विस्तार में बताइए ना। जी जरूर, देखिए बुआ जी, कुछ महिलाओं में इसके ऐसे असर देखे जाते हैं कि जैसे सुई लगवाने से रक्त का बहाव बढ़ता है, और कुछ में 3-6 महीने के लिए वजन हल्का फुल्का बढ़ता है, और कई बार मासिक धर्म भी बंद हो जाता है। पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और बुआ जी, जिन औरतों ने इसे आजमाया है वो हर 3 महीने में हंसी खेलती PHC में सुई लगवाने आ जाती हैं। और क्या, देखो मुन्ना तुम अच्छे से समझ लो। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा। और ये सुई 3 महीने तक असरदार रहती है, और ये उन महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है जो स्तनपान करवाती है, और शारीरिक संबंधों में भी इससे कोई बाधा नहीं आती। फिर तो हर महिला ये सुई लगाने खुश होंगी। बुआ जी अब महिलाएं तो ठीक है, पर कुछ पुरुषों का प्रॉब्लम है। वो क्या? अब क्या हुआ कि एक पति पत्नी मेरे पास आए, पत्नी बेचारी गईया और पति ये मूछों को ताव देने वाला मर्द। अच्छा फिर? कहने लगा डिम्पा बहन जी मैं वो कंडम वंडम नहीं यूज करूंगा और ना ही अपनी पत्नी को कोई उपाय करने दूंगा, बस हमें बच्चा नहीं चाहिए और हमारा चलता रहना चाहिए। अरे ये कैसे संभव है? यही तो बुआ जी, मैंने उसे 1,00,000 समझाया पर वो मानने को तैयार नहीं। अच्छा। मैं समझ गई कि भाई ये तो टेढ़ा केस है, तो मैंने भी फट से एक तरकीब चिपका डाली। ऐसी तरकीब? मैंने कहा भाई साहब सुनिए, आपको बस इतना करना, एक आधी उबली भिंडी, एक मिर्ची और एक लौंग का सेवन रोज करना है। क्यों? उसे फिर क्या? बेचारे ने शर्माते शर्माते मुझसे पूछा, डिम्पा बहन जी इसका सेवन मुंह करने से पहले करना है या मुंह करने के बाद? मैंने भी कह दिया भाई साहब इसका सेवन मुंह करने के बदले में करना है। मुन्ना हम हंस जरूर रहे हैं, लेकिन ये बड़े दुख की बात है। अरे नहीं बुआ जी, आपकी इस डिम्पा रानी ने इसको भी हैप्पी एंडिंग में बदलवा दिया, वो भी 1 हफ्ते में। अच्छा वो कैसे? अब पति पत्नी के पास मुंह करने जाता तो पत्नी बड़े प्यार से कहती सुनिए वो कटोरी में आधी उबली भिंडी मिर्ची और लौंग बड़ा है खा लीजिएगा। बस फिर क्या था, दोनों पति पत्नी 7 दिन में भागते भागते PHC पहुंच गए, पत्नी को सुई लगवाई और अभी तक 1 साल में उनका बल्ले बल्ले है। ये बात तो दोस्तों अब यहीं पर हम अपना ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ
कि आपके रेडियो पर ये मनोरंजक सीख का सिलसिला जारी रहेगा। और डिम्पा रानी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। भिंडी, मिर्ची, लौंग, इनसे ये काम हो सकता है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। डिम्पा रानी जी, आप महान हो। तो बुआ जी और मुन्ना, अब लेंगे सबकी खैर। सबसे अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। पन्ना, तुमने भगवान से क्या मांगा? मैंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। तो इतनी देर से तुम आंखें बंद करके क्या कर रही थी अंदर? मैं भगवान से पूछ रही थी कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं उनके लिए। तो क्या कहा उन्होंने? भगवान ने कहा कि तुम आशा हो, इसलिए जहां भी अंधेरा है वहां आशा की किरण बन जाओ। जो निराश है उन्हें हौसला दो, आशा दो। तुम तो बड़ी अजीब हो। यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ अपने लिए मांगने आते हैं और तुम होगी देना चाहती हो। समीर, भगवान से रिश्ता होता है, सौदा नहीं। और मेरे पास क्या नहीं है? घर है, परिवार है, स्नेहा दीदी का मार्गदर्शन है और क्या है? और गांव वालों का प्यार है, दुआएं हैं। मैं जब से आशा दीदी बनी हूँ, गांव वालों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं मेरे लिए। उन्होंने दिल खोल के अपनाया है मुझे। और मैंने भी अपना दिल खोल कर अपनाया है तुम्हें। तुम तो मेरे खास साथी हो और हमेशा रहोगे। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया है, अब बस शक्ति दो कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। पन्ना, मैंने भी कुछ भगवान से मांगा है। क्या? मैंने तुम्हारा हाथ मांगा है। अच्छा, अचानक क्यों? वो मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का फोन आया है बंबई से। वो मेरे गुआ गुगी से बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए हैं। वो मेरे साथ मिलकर उसे और बड़ा करना चाहते हैं, तो मुझे कम से कम एक साल तक बंबई में रहना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है समीर, मुबारक हो। पन्ना, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लें और एक साल के बाद वापस आकर मैं अपने साथ तुम्हें बंबई ले जाऊंगा। लेकिन समीर, मेरी जरूरत इस गांव को ज्यादा है, और मैं तो यही सोचती थी कि हमने वादा किया था साथ ही हाथ बढ़ाने का। बात तो सही है, पर बड़े शहर में हम काफी बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। बड़े शहर को बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे गांव को बड़े बदलाव की जरूरत है। समीर, तुम्हें याद है स्नेहा दीदी क्या कहती हैं? हर गांव का रास्ता शहर की तरफ जाता है, लेकिन शहर का रास्ता लौटकर गांव की तरफ क्यों नहीं आता? पन्ना, मैंने जो कुछ भी किया है आज तक सिर्फ ये सोच के किया है कि पन्ना को अच्छा लगेगा या नहीं। मैं आज जो कुछ भी हूं तुम्हें ही सोच सोच कर बना हूं, और तुम्हारे साथ जीवन बिताना ही मेरा सपना है। समीर, मैं तुम्हारे सपने को नहीं तोड़ना चाहती। शहर की चमक दमक से मैं थोड़ा भहक गया था। ठीक है, मैं बंबई जाऊंगा, लौट कर आऊंगा तुम्हारा हाथ बटाने, तुम्हारे साथ जाऊंगा। शादी तो होगी नहीं? कोई बात नहीं, तब तक हमारी लंबी सगाई चलती रहेगी।
May I come in, sir? Yeah, obviously. तुम मुझसे मिलना चाहती थी? जी सर. प्लीज बैठो ना. थैंक यू. बताओ सर, वो जिंदगी का एक बहुत अजीब केस मेरे सामने आया है. अच्छा, किसका केस है? मेरा. तो पेशेंट को तुमसे भला और कौन समझेगा? सर, सरपंच जी मुझसे मिलने आए थे. उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है. कैसे? वो चाहते हैं कि मैं सरपंच के चुनाव में उम्मीदवार बनूं. तुम्हारी दुविधा मैं समझ सकता हूं. बस सर, इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी. तुम्हारा क्या ख्याल है सरपंच जी के इस प्रस्ताव के बारे में? सर, मैं एक डॉक्टर हूं, राजनीति से मेरा क्या लेना देना? और फिर जितनी जिम्मेदारियां मैंने ले रखी हैं, उनके बाद किसी और चीज के लिए समय कहां निकाल पाऊंगी? ख्याल तो दुरुस्त है. थैंक यू सर, मुझे यकीन था कि आप यही कहेंगे. अब मुझे सरपंच जी को मना करते हुए दुख नहीं होगा. स्नेहा, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन. लेकिन क्या सर? अभी तुमने कहा ना कि राजनीति से तुम्हारा क्या लेना देना. जवाब है सब कुछ. जी. हर देश के हर नागरिक पर गहरा असर होता है उसकी राजनीति का. उस चाहे उस सच्चाई को हम पहचान ना पाए. मतलब सर? हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है. लेकिन उसकी गरिमा, उसकी सच्चाई, उसकी राजनीति तय करती है. सत्ता जरिया है समाज में बदलाव लाने का, सामाजिक न्याय दिलाने का, समाज को जोड़ने का. आपका नजरिया तो सही है, पर मेरा ये मानना है देश की सेहत पर रखनी हो तो उस देश के नेता की नब्ज तपासो. स्नेहा, अगर तुम जैसे ईमानदार लोग राजनीति में आ जाएं, तो देश का चेहरा बदल जाएगा. तुम कैसा प्रतापपुर चाहती हो? सर, मैं तो चाहती हूं कि हमारा प्रतापपुर एक आदर्श गांव बने. मेरा सपना है कि हमारे गांव में 100% लोग शिक्षित हों, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, रोजगार बढ़े, कोई भूखा ना सोए, किसी की आंखों में आंसू ना हो, सब एक साथ मिलकर रहे, खुशियां मनाए. यही तो गांधी जी का सपना था. इसी उद्देश्य से इस देश का निर्माण हुआ है. आज एक प्रतापपुर बदलेगा तो वो प्रेरणा और उदाहरण बनने का पूरे देश के लिए. तुम अपने आप को प्रतापपुर तक ही सीमित रखना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी सोच की कोई सीमा नहीं है. वो दूर दूर तक पहुंचेगी. पर सर, मैं सत्ता नहीं चाहती, सिर्फ सेवा करना चाहती. तो सत्ता को सेवा समझकर उसका इस्तेमाल करो. तुम देश की राजनीति का चेहरा बदल सकती हो. तुम देश की राजनीति की परिभाषा बदल सकती हो. बदलाव की रफ्तार में तेजी ला सकती हो. सर, मैं आपके पास आई थी इस दुविधा का हल ढूंढने के लिए, पर आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया. सर, मैं इस राजनीति के दलदल में फंस जाऊंगी. तुम्हारे चेहरे पर डर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है. क्यों सर? क्योंकि हर बड़े बदलाव की शुरुआत डर से ही हुई है. सरपंच जी ने तो मुझे विडंबना में डाल दिया.
और ऊपर से डॉक्टर जैन ने ये कहा कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए। मैं और राजनीति, मेरा इससे क्या लेना देना? मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी जी है उसमें राजनीति के लिए कोई जगह ही नहीं। फिर मुझे एक बात याद आई जो मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, जैसी जनता की लायकी उसी के अनुकूल उसके नेता। और मैं सोच में पड़ गई, क्या मुझ जैसों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम बदलाव की खातिर राजनीति में आए? क्योंकि हमारे नेताओं का मनोबल ही देश में बदलाव ला सकता है। ये बात मैं समझती हूँ, आप भी समझते हैं, फिर भी मन में एक संकोच सा है। क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? प्लीज मुझे मिस्ड कॉल दे इस नंबर पर 9268992689। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। Thank you.